तो दोस्तों, अब जो स्टैंडर्ड हम पढ़ने वाले हैं वो है IFRS 16 या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, लीजेस। ठीक है, अब IFRS 16 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 पूरी तरीके से सिमिलर है, इसीलिए मैं आपको इसे डायरेक्टली IFRS 16 के नोट्स में से ही पूरा का पूरा पढ़ा के दे रहा हूँ। तो क्या है एग्जैक्टली इस स्टैंडर्ड के अंदर में, क्या ऐसा नया है या क्यों एक नए स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी? खैर, क्यों इस नए स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि लीजेस क्या है। और आप में से कई लोगों ने IAS 17 या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 कभी पढ़ा ही नहीं था, तो आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि क्यों नया स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी। आपको तो ये कहानी पूरी की पूरी समझने की जरूरत है कि आखिर लीजेस को एक स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है। ठीक है, चलिए हम लोग इस कहानी को ही समझने की कोशिश करते हैं कि लीजेस को आखिर एक स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है। देखो, ए ने बी को बोला कि भाई तुम्हारे पास एक ऑफिस है, तुम ये ऑफिस मुझे रेंट पे दे दो, तुम मुझे रेंट पे दे दो, बदले में मैं तुम्हें रेंट पे करूंगा कितना, 1 लाख रुपीज पर आना। बी ने उसको बोला ठीक है यार, देखो ऑफिस रेंट के लिए चाहिए पर कितने समय के लिए चाहिए? तो ए ने बोला यार 5 साल के लिए चाहिए। वो बोला ठीक है, 5 साल के लिए तू रेंट पे ले ले, पर एक बात ध्यान में रखना, 5 साल के बीच में कभी भी तू इस लीज को कैंसिल नहीं कर सकता भाई, तू 5 साल तक के इस लीज को कैंसिल नहीं कर सकता। उसने भी सोचा हाँ ठीक है यार, 5 साल तो अपन चलाएंगे ही ऑफिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल अपन रखेंगे, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर में एक एसेट जो किसी और का है, बी जिसे हम बोलेंगे लेसर, के एसेट को यूज कर रहा है कौन? ए जिसे हम क्या बोलेंगे, लेसी। उसके पास एक स्पेसिफाइड पीरियड 5 साल के लिए उस एसेट को यूज करने के अधिकार है। सर, अधिकार से क्या मतलब है? देखो, अधिकार से ये मतलब है कि ए बी को बोलेगा देख तेरा ये जो ऑफिस है ना, इस ऑफिस के अंदर मैं अपना बिजनेस कैरी आउट करूंगा। उसने बोला हाँ ठीक है, ऑफिस को मैं यूज करूंगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। उसने बोला हाँ ठीक है, यूज कर यार तू, 24 घंटे यूज कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बोले मैं वहां पे अपने खुद का फर्नीचर रखूंगा। बोले हाँ रख, उस फर्नीचर को मेरी जब जहां इच्छा होगी मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा। बोला हाँ कर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर में मैं कैबिन्स बनाऊंगा मेरे ऑफिस के स्टाफ के लिए, इनको भी मैं कैसे भी शफल कर सकता हूँ, मेरी जब इच्छा होगी जैसे होगी मैं उस ऑफिस को वैसे यूज करूंगा। बी ने बोला तेको जो करना है कर, बस कोई भी इलीगल एक्टिविटी कैरी आउट मत करना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए बिल्डिंग की परमिशन नहीं है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट मत करना। बी ने बस एक प्रोटेक्टिव राइट उसके अंदर रख दिया कि भाई तू ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकता, बाकी देखो जो करना है तू कर। ठीक है, तो अगर ऐसा बोलूं तो ए के पास अधिकार आ गए उस एसेट को यूज करने के, तो ऐसे में मैं बोलूंगा देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज टू यूज द एसेट, स्पेसिफाइड एसेट, ऑफिस, किसी के भी ऑफिस के अंदर घुस के अपन यूज करने लग जाएंगे ऐसा नहीं है। अच्छा, बी के पास 4-5 ऑफिस है, अपन कोई में भी घुस गए, अपन ने बोला कि नहीं यार बी का ऑफिस है, मेरे पास राइट है यूज करने का। लेकिन भाई देखो, बी के स्पेसिफाइड ऑफिस का राइट दिया गया है, ऐसा कोई भी ऑफिस के अंदर घुस जाएगा ऐसा थोड़ी होएगा। तो स्पेसिफाइड ऑफिस का राइट है फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म, फॉर अ स्पेसिफाइड पेमेंट। ठीक है, एसेट, स्पेसिफाइड एसेट, फॉर स्पेसिफाइड टर्म, फॉर स्पेसिफाइड पेमेंट। ठीक है, आपको मिला है यूज करने के लिए विद कंट्रोल राइट टू यूज द सेम, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि बॉस दिस इज लीज। तो हाँ ठीक है ना सर, लीज है तो फर्क क्या पड़ता है, मतलब लीज ही तो है ना, इसके लिए एक स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है? लीज का पेमेंट दिया, रेंटल एक्सपेंस दिखा दो, खत्म करो, स्टैंडर्ड की क्या जरूरत थी? अरे देखो, एक सिंपल सी कहानी है, आज ए अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन लेके बैठा है 1 लाख रुपीज पर एनम, कुछ भी हो उसको फ्यूचर में पे करना ही है, कुछ भी हो आने वाले 5 साल उसको पे करना ही है। ऐसे ऑब्लिगेशन आपको कैश में ही पे करना है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्वैलेंट, ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्वैलेंट तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है बाय नेचर। मैं अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लेके बैठा हूं तो इसे भी मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखानी चाहिए, और ऐसी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज पे दिखाते हैं, यही हमने इंड एस 109 में पढ़ा। अरे सर कैसी बात करते हो सर, ठीक है सर ऑब्लिगेशन लेके बैठा है आपने, बात सही बोला, पर उसके बदले में हम कोई बिल्डिंग ले रहे हैं रेंट के ऊपर, ओन यूज एग्जेम्पशन है, ऐसा थोड़ी होता है सर। अरे क्यों नहीं होता, आपने कोई गुड्स खरीदे, सामने वाले को बोला 2 महीने बाद मैं पैसे दूंगा, 2 महीने बाद पैसे दूंगा, आपने क्रेडिटर होने का ऑब्लिगेशन टू पे कैश लिया कि नहीं लिया? बोले हाँ ना सर, गुड्स के बदले में लिया ना, तो गुड्स के बदले में जब आपने वो ऑब्लिगेशन लिया तो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी या नहीं थी? अरे थी सर, पर गुड्स मिल गए तो यहां भी तो ऑफिस मिल गया,
ऑफिस के बदले में ऑब्लिगेशन टू पे कैश ले लिया, और वो भी नॉन कैंसिलेबल ऑब्लिगेशन टू पे कैश ले लिया, तो क्यों इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी ना दिखाए? बात तो सही बोल रहे हो सर, पर ऐसा कौन दिखाता है सर, हमने तो कहीं देखा नहीं। आपने अब तक इसलिए नहीं देखा क्योंकि अब तक 116 नहीं था, अब तक के स्टैंडर्ड ही दूसरा था, जिसे बोलते थे इंड एएस 17, आईएएस 17। उसके अंदर कहानी थोड़ी सी अलग थी, हम उसकी कहानी डिस्कस नहीं कर रहे, अब दिखाना पड़ेगा। मतलब एयरलाइन कंपनी अगर एयरलाइंस को रेंट पे लेके बैठी है, इंडिया की तो सारी एयरलाइंस कंपनीज ऑलमोस्ट रेंट पे लेके बैठी है एयरलाइंस को, तो अगर आप एयरलाइन को रेंट पे लेके बैठे हो तो हम उस रेंट को लायबिलिटी दिखाएंगे बुक्स में, लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अरे बाप रे सर, ये तो बहुत ही ड्रास्टिक इंपैक्ट रहेगा, यानी हर छोटा मोटा एसेट कोई भी अगर रेंट के ऊपर ले रहा है तो उसके अंदर में आप उसको लायबिलिटी दिखा दोगे। कुछ एग्जेम्पशन देखेंगे, छोटे मोटे एसेट्स पे नहीं लगाएंगे, मटेरियल एसेट्स पे लगाएंगे। सर छोटे मोटे समय के लिए भी हमने कोई एसेट लीज के ऊपर लिया, वो भी लायबिलिटी दिखेगी। छोटे मोटे समय के लिए भी हम एग्जेम्पशन देखेंगे, बड़े समय वाले देखेंगे। तो छोटे मोटे एसेट, छोटे मोटे समय के ऊपर दिमाग मत लगाइए, मटेरियल के ऊपर दिखाना पड़ेगा। सर इतनी सारी लायबिलिटीज बुक्स में दिखा देना जबकि एसेट को अभी तक यूज भी नहीं किया, आप यूज करो या नहीं करो अब इस बात से फर्क क्या पड़ता है? आप बताओ क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने इस एसेट को नहीं भी यूज किया? ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्वेलेंट तो लेके ही बैठे हो, तो पे तो आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो उसको बोलता है कि नहीं, ऐसे में आपने लायबिलिटी तो बुक्स में दिखानी ही पड़ेगी, एंड दैट इज द रीजन इस स्टैंडर्ड को लाने की जरूरत थी। सर सर बोलो सर, माना लेसी के ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, ऑब्लिगेशन टू पे लीज रेंट, क्रेडिट कर देगा लायबिलिटी तो डेबिट क्या करेगा? आप बताओ उसके क्या अधिकार मिले? सर उसको अधिकार मिला ऑफिस यूज करने का, अधिकार ऑफिस यूज करने का जिससे कि उसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ये कोई एसेट का कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ ना सर, एसेट का कंट्रोल हुआ तो वो एसेट अपने बुक्स में दिखाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, लेसी अपने बुक्स में एसेट दिखाएगा इतने अमाउंट का? हाँ एसेट अपने बुक्स में, लेसी अपने बुक्स के अंदर एसेट दिखाएगा। इस एसेट को हम बोलेंगे राइट टू यूज एसेट, ठीक है समझ में आया? इस एसेट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? राइट टू यूज एसेट। सर सर लेसर ने इस एसेट को रेंट पे दिया है, लेसर क्या करेगा? सर लेसर भी इस एसेट को अपने बुक्स में दिखाएगा क्या? देखो लेसर क्या करेगा वो डिपेंड करेगा कि वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। अगर एक बेसिक लीज ट्रांजैक्शन है नॉर्मल, जिसमें एसेट वापस लेसर का ही होने वाला है, हम बोलेंगे कि एसेट के पास अधिकार है, लेसर के पास अधिकार है कि उस एसेट से वो रेंट कमा रहा है, लेसर के पास अधिकार है कि वो उस एसेट से रेंट कमा रहा है, तो अभी सी बात है वो एसेट लेसर के बुक्स में भी दिखेगा। एसेट रिमेन्स इन बुक्स ऑफ लेसर, यानी सर एसेट लेसर की बुक्स में भी दिख रहा है, एसेट लेसर की बुक्स में भी दिख रहा है, सर दोनों की बुक्स में दिख रहा है। सर ये तो डबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया सर। नहीं नहीं डबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं हुआ सर, वही एसेट है। नहीं नहीं देखो लेसर के पास एक एसेट है जिस एसेट के अगेंस्ट वो रेंट कमा रहा है, तो उसके पास वो एसेट है इसलिए वो अपने बुक्स में दिखा रहा है। लेसी के पास उस एसेट को यूज करने के राइट्स है और वो उन राइट्स को अपने बुक्स में एसेट दिखा रहा है एज राइट टू यूज एसेट। इट इज एज गुड एज इनटैंजिबल एसेट, बट हाँ उसका फिजिकल सब्सटेंस है, वो दिखता है वो एसेट, इसीलिए हम उसे इनटैंजिबल एसेट नहीं बोल रहे, अदरवाइज इट इज एज गुड एज एन इनटैंजिबल एसेट ओनली, ठीक है? पर इनटैंजिबल एसेट नहीं है, ये मत बोलना कि सर ने बोला है कि इनटैंजिबल एसेट है, नो। सो यू हैव अ राइट टू यूज एन एसेट, आप उसको अपने बुक्स में एसेट दिखा रहे हो, आप एसेट को अपने बुक्स में एसेट नहीं दिखा रहे, राइट टू यूज को अपने बुक्स में एसेट दिखा रहे हो, तो दोनों अलग अलग अकाउंटिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है लेसी उसके लिए खर्चा भी कर रहा है, इसीलिए अमोर्टाइजेशन हो भी रहा है ना उस अमाउंट का, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। हाँ ये जो हम लोगों ने कहानी लिखी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, ये सिर्फ ऑपरेटिंग लीज के लिए होगी, पर ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज क्या होता है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अभी तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्राइमरी कंसर्न हमारा लेसी है, प्राइमरी कंसर्न हमारा लेसर फिलहाल है ही नहीं, ठीक है? सो दैट इज द रीजन ये स्टैंडर्ड को पिक्चर में लाना जरूरी था, इन छोटी छोटी चीजों को। मतलब सर ये राइट टू यूज एसेट फ्यूचर में डेप्रिशिएट भी होगा? यस डेप्रिशिएट होगा, तो फिर सर जो रेंट दे रहे हैं उसका क्या करेंगे? रेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। सर कैसे होगा सर वो? अरे सब देखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जब आएंगे तब देखेंगे, अभी पहले इतना तो समझ लो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने बस फिलहाल कुछ बेसिक बातें देखी। सो व्हाट इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज
राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंसिडरेशन. पैसा मिलेगा इसके लिए, पैसे के बदले राइट टू यूज एन एसेट मिला है और टर्म डिफाइंड है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जा लेके गया एसेट, जितने समय के लिए तेको यूज करना है कर, मतलब टर्म डिफाइंड नहीं है. दीज आर नॉट लीजेस, दीज आर नॉट लीजेस. या फिर कंसिडरेशन नहीं है, लेके जाना यार यूज कर, अपने दोस्त को अपन ने दिया, बोले जाना यार यूज करना यार, तू कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, दोस्त है यार तू अपना, तो देर इज नो कंसिडरेशन फॉर इट, ये भी यहां पे एसेट नहीं कहलाएगा. या फिर हो सकता है कि आप एज ए सी ए सर्विस दे रहे हैं, तो यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, तो क्या ये भी लीज होगा? आंसर इज ऑब्वियसली नो. मतलब उबर से ओला से हम लोग कोई कार लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये लीज है या सर्विस है? जूम कार बुक किया, लीज था कि सर्विस था? अब ये डिपेंड करता है कि एसेट क्या होता है. एसेट मतलब कि बेसिकली एक स्पेसिफाइड एसेट होता है. इन सब चीजों पे हम आगे आएंगे, तो ये सब चीजें हमको समझना. हमारा मेन पूरा का पूरा डिस्कशन, इनिशियल डिस्कशन इस बात पे है कि आइडेंटिफाई कैसे करेगी ये एसेट है या सर्विस है. अगर एसेट है तो लीज है, इस स्टैंडर्ड में कवर्ड है. अगर एसेट नहीं है तो इस स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है. उसके बाद में हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है? सो व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, विच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज विच इज एनफोर्सेबल. कमर्शियल सब्सटेंस रहना चाहिए. अगर एनफोर्सेबल नहीं है तो फिर हम उसे लीजेस में नहीं लेंगे. देयर शुड बी अ राइट टू यूज एन एसेट, सर्विस नहीं चलेगा. पीरियड ऑफ यूज शुड बी डिफाइंड, ठीक है? एंड देयर शुड बी एन अंडरलाइंग एसेट विच इज सब्जेक्ट टू लीज. वुड द पार्टीज इन्वॉल्व लेसर who gives the provides the right over the underlying asset, and there is a lessee who has the right to use that underlying asset for a specified period. तो ऐसे leases कई प्रकार के होते हैं. finance lease, operating lease. हम finance lease क्या होता है, operating lease क्या होता है, ये discussion के ऊपर बाद में जाएंगे, पर कुछ basic terminology समझ लेते हैं. एक होता है inception of lease और एक होता है commencement of lease. मैंने 1 जनवरी को एक बंदे के साथ agreement कर लिया कि मैं उससे उसकी कार 5 साल के लिए rent पे ले रहा हूँ. तो मैंने जिस दिन एग्रीमेंट किया उसी दिन कार उठा के लेके चला गया, ऐसा तो है नहीं. मैं उसको बोलता हूँ भैया एग्रीमेंट आज कर ले, आज से 1 महीने बाद में मैं ये कार लेके चले जाऊंगा. तो जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया वो डेट को बोलते हैं इंसेप्शन ऑफ लीज, कि लीज एनफोर्सेबल हो गया. पर सपोज करो मैं 1 फेब को कार लेके गया, तो 1 फेब को बोलते हैं कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट ऑफ लीज. और हम अकाउंटिंग हमेशा कमेंसमेंट से करते हैं, इंसेप्शन से नहीं करते, ठीक है? चलिए बाकी के जो टर्म्स होते हैं वो इकोनॉमिक टर्म क्या होता है, लीज टर्म वगैरह, वो सब हम बाद में देखेंगे. कुछ चीज़ें जो इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर्ड नहीं है, जैसे कि यूज ऑफ मिनरल्स, एक्सप्लोरेशन, नॉन रीजेनरेटिव रिसोर्सेज, ये सब के सब देर इज अनदर स्टैंडर्ड दैट इज अवेलेबल, इंडिया 106, इसलिए उनको वहां कवर करेंगे, यहाँ पे कवर हम लोग नहीं करने वाले हैं. बायोलॉजिकल एसेट्स ओनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ओनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंडिया 41 अवेलेबल है, इसीलिए वहां पर देखेंगे, यहां उसके बारे में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, आप कोई लैंड जैसे टोल रोड वगैरह आप टोल कलेक्ट कर रहे हो फॉर अ हाईवे, तो वो हाईवे आपको कुछ समय के लिए मिला है रेंट के ऊपर, समझ में आ रहा है? वो जो भी हाईवे है वो हाईवे आपको कुछ समय के लिए रेंट पे मिला है. अब वो वेरिएबल कंसिडरेशन है, फिक्स कंसिडरेशन है, जो भी है, वो सब आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 में पढ़ा है. IFRS के पॉइंट ऑफ व्यू से IFRIC 12 के अंदर में कवर होता है वो, तो अपेंडिक्स जो कि आता है उसके अंदर में. सो क्योंकि वो वहां पे कवर्ड है, इसलिए यहां पे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे. लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय अ लेसर विद इन द स्कोप ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, यानी किसी एक बंदे का कोई एक ऐसा राइट है, जैसे फ्रेंचाइजी राइट, तो वो किसी को अपन ने दे के रखा है कि भैया तू मेरी फ्रेंचाइजी चला, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी, इतनी सारी फ्रेंचाइजीज है, किसी को अपन ने राइट दे दिया, हाँ भाई चला तू उसकी फ्रेंचाइजी. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कवर्ड अंडर इंडियस 115, फ्रेंचाइजी राइट्स, रॉयल्टी पेमेंट्स, इनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है ये वहां कवर्ड है, इसीलिए उनके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे. इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपना स्कोप कम कर रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स को बाहर रख रहा है ये स्टैंडर्ड. क्यों? क्योंकि राइट टू यूज एसेट अपने आप में एक इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में एग्जैक्टली लीजेस की अकाउंटिंग इंटेंजिबल एसेट्स में कवर्ड है थोड़ी बहुत, कि आपको कोई एग्रीमेंट लाइसेंस मिला है कुछ समय के लिए,
तो आप बोलोगे कि नहीं फिर ये भी लीजेज है, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन आएगा। आपने कोई एक आध सॉफ्टवेयर लेके रखा, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है तो वो एक एक साल का आता है, आपने सपोज ऐसे 10 साल के लिए ले लिया, आप बोलोगे ये तो लीज एसेट, जबकि हम बोल रहे हैं कि ये तो इनटैंजिबल एसेट है। तो कंफ्यूजन आएगा कि मैं यहाँ पे कवर करूँ या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में कवर करूँ। तो इसीलिए फिलहाल उन्होंने इनटैंजिबल एसेट रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा बाहर रखा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इनफैक्ट अगला वाला भी आप देखोगे, हेल्ड अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कवर्ड अंडर इंड एस 38, इंड एस 38, इनको भी थोड़ा सा स्कोप से बाहर रखा है। ठीक है, इतना ही नहीं, कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ही इमटेरियल एसेट है, बहुत ही इमटेरियल एसेट है, या लीज टर्म बहुत छोटा सा है, 12 महीने के अंदर अंदर, एक ही साल में शुरू होकर उसी साल में खत्म हो जाएगा, तो उनको उन्होंने यहां पे कवर नहीं किया। उन्होंने बोला शॉर्ट टर्म लीजेस ऑन द कमेंसमेंट हैव अ टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस, 12 महीने या 12 महीने से कम वाला पीरियड है, तो उनको भी यहां पे कवर मत कीजिए, मत बोलिए कि वो लीजेस में कवर्ड है, उनको रेंटल एक्सपेंस दिखा के खत्म कर दो, ये स्टैंडर्ड की उनको जरूरत नहीं है। या फिर लो वैल्यू एसेट्स, मतलब वो एसेट जिनकी वैल्यू बहुत इमटेरियल है फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो एसेट को लीज पे दे रहा है। अब इसमें एक प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे प्रैक्टिकल एक्सपेडियंट का। लो वैल्यू एसेट, बहुत ही कम वैल्यू वाले जो एसेट्स होते हैं वो, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एसेट बींग लीज इज न्यू। नाउ इट इवन डजेंट मैटर कि वो एसेट हो सकता है हम जिसको लीज पे दे रहे हैं उसके लिए वो बहुत ही मटेरियल एसेट है, लेसी के लिए बहुत ही मटेरियल एसेट है। जैसे कि मेरे पास सपोज करो एक ऑटो पड़ा था, ऐसे ही खरीद के रख लिया था, अपने को लगता था यार ये ऑटो वाटो जो रास्ते पे चलते एक बार अपन भी चला के देखे इसको चलाने में कितना मजा आता है, तो अपन ने खरीद के रख लिया। अब अपन ठहरे एकदम करोड़पति आदमी, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए समझना, अपन ठहरे एकदम करोड़पति आदमी, अपन ने एक 10,000 रुपए का ऑटो खरीद के रख लिया, खैर 10,000 रुपए का ऑटो आता भी नहीं, बट ठीक है 10,000 का ऑटो खरीद लिया, अपने लिए इमटेरियल आइटम है। अब बहुत समय से पड़ा था, यूज वूज हो नहीं रहा था, एक दिन एक बंदा आके बोलता है सर ये एसेट मुझे रेंट पे दे दो, बोले ऑटो मैं चलाऊंगा, बोले मेरी रोजी रोटी निकल जाएगी, बोला कितना कमा लेगा यार इससे, मैं बोला सर 10,000 रुपए कमा लूंगा, 5,000 रुपए आपको दे दूंगा, बोले महीने के, मैं बोला यार खुद ही खरीद ले, बोला सर पैसे नहीं है अपने पास, पैसे होते तो बात ही क्या थी, तो अपन ने बोला ठीक है ले जा रेंट के लिए। अब मेरे लिए वो इमटेरियल एसेट है, पर सामने वाले के लिए बहुत ही मटेरियल एसेट है। नो इट डजेंट मैटर, हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। इंड एस 116 नहीं लगेगा मुझे, पॉइंट क्लियर है यहां तक क्या? चलो, तो लो वैल्यू एसेट्स असेसमेंट इज मेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द लीज एसेट इज मटेरियल फॉर लेसी, अंडरलाइंग एसेट इन लीज कैन बी अ लो वैल्यू एसेट इफ लेसी कैन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल फॉर लीज। अंडरलाइंग एसेट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड ऑन अदर एसेट्स, ठीक है, यानी या तो इंडिपेंडेंट एसेट है या फिर उस एसेट को दूसरे किसी एसेट के साथ यूज किया जा सकता है जो लेसी के पास रेडिली अवेलेबल है, तो ये आप लीजेस में लाओगे नहीं, तो वो सर्विसेज वगैरह में भी जा सकता है इसीलिए। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द टू एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन। ए रन्स अ रियल एस्टेट एंड लीज बिल्डिंग टू बी, ए एंड बी आर अंडर कॉमन कंट्रोल, नो फॉर्मल लीज एग्रीमेंट इज इन प्लेस, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है लीज का, मंथ ऑन मंथ बेसिस है एंड लीज सिंपली रोल्स ओवर फ्रॉम मंथ टू मंथ, आइदर पार्टी कैन टर्मिनेट द लीज, दोनों में से कोई भी पार्टी लीज को टर्मिनेट कर सकती है। तो ऐसे में अपन बोलेंगे यार 12 महीने से छोटा वाला है, लीज एग्जेम्पशन ले लो। बट सपोज करो कि क्रक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखो तो ऐसा समझ में आता है कि ए और बी अल्टीमेट कॉमन कंट्रोल में, और भले ही दोनों में से कोई भी टर्मिनेट कर सकता है, पर 10 साल तक के तो दोनों में से कोई भी टर्मिनेट नहीं करने वाला, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ऐसे में फिर अपन लीजेस लगाएंगे, ठीक है, एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है वो किस तरह का सीनेरियो बनता है उस पर। अगला, ए इज अ लार्ज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विथ 10 बिलियन बजट, इट एंटर्स इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज वन फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग इन द मेजर सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 50,000, ठीक है, 10 बिलियन वाली कंपनी $50,000 के रेंट पे, 50,000 करेंसी यूनिट के रेंट एग्रीमेंट पे एंटर हो रही है। ऑपरेशन फैसिलिटी एंड लीज कॉस्ट आर इमटेरियल। अब अमाउंट 10 बिलियन के सामने देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, हार्डली कुछ है, ठीक है, उनका ऑपरेटिंग बजट ही 10 बिलियन का रहता है। तो ठीक है, आप बोल दोगे लो वैल्यू एसेट है, इसके ऊपर 116 नहीं भी लगाया तो चलता। आगे देखो, लीज इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड हैज फॉलोइंग लीजेस, लीज ऑफ रियल एस्टेट, अब ये बड़ा लीज है, ये लो वैल्यू एसेट नहीं हो सकता। लीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट वर्ड बोल रहा है तो बड़ा ही होगा, छोटा मोटा नहीं हो सकता।
लीज ऑफ कंपनी कार बोथ सेल पर्सनल एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ वेरिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड वैल्यूज। तो कंपनी की कार्स मतलब जनरली कार्स छोटे मोटे नहीं होते, कार्स बड़े एसेट्स होते हैं, लीज कंपनी के एसेट्स है ये, ठीक है। इसीलिए ये भी मुझे नहीं लगता कि 116 मतलब 116 में आएगा, मुझे मतलब स्कोप आउट नहीं होगा। लीज ऑफ ट्रक्स एंड वैन्स फॉर डिलीवरी पर्पस, बिल्कुल ये भी आना चाहिए। लीज ऑफ आईटी इक्विपमेंट फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, एक एक एम्प्लॉय के लिए हमने लिया है, कुछ लैपटॉप्स, कुछ कंप्यूटर्स, कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, कुछ हैंडहेल्ड डिवाइसेस है, तो ठीक है ये छोटे मोटे एसेट्स बोल सकते हो। हो सकता है कि एग्जेम्पशन में आ जाए, हो सकता है, डिपेंड करता है वैल्यू पे। लीज ऑफ सर्वर्स, अब सर्वर थोड़ा सा महंगा एसेट होता है, इसको अपन नहीं बोलेंगे कि यहाँ नहीं आएगा। लीज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस के इक्विपमेंट कंपेरेटिवली सस्ते होते हैं, क्या होगा, एयर कंडीशनर होगा, छोटे मोटे एसेट्स होंगे, इसीलिए ये नहीं आएगा। अच्छा उन्होंने बताए हैं एसेट्स जैसे कि ऑफिस फर्नीचर, चेयर, डेस्क, पार्टीशन, वाटर डिस्पेंसर, तो ये दोनों के दोनों तो यार नहीं आना चाहिए लो वैल्यू एसेट्स के नाम पे, ठीक है। हाई कैपेसिटी मल्टीफंक्शनल फोटोकॉपियर, फोटोकॉपियर महंगा एसेट होता है, सस्ता नहीं होता, इसे हम लोगों ने लीज के स्कोप में लाना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया कि एग्जैक्टली हम लोग लीजेस लगाएंगे तो कौन से वाले एसेट्स के ऊपर हम लोग ये लीज का स्टैंडर्ड लगाने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या स्कोप में आता है और क्यों ये स्टैंडर्ड की जरूरत है, ठीक है।